मैंने आपको ये वीडियो दिखाया। इस वीडियो के जरिए हम दो वर्ड्स इंग्लिश के सीख सकते हैं। एक होता है नैप, NAP। नैप की मानी धर दबोचना। जैसे अभी अभी आपने देखा कि सांप कैसे परिंदे को धर दबोचा, यानी धर दबोचने को इंग्लिश में हम नैप कहते हैं, NAP। पुलिस नैप हिम, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस नैप हिम ऑन द स्पॉट, पुलिस ने उसे उसी वक्त धर दबोचा। यानी ये हो गया नैप की मानी। और अभी इस वीडियो में और एक वर्ड आपको सीखने मिलेगा। इसमें परिंदा मरते मरते बच गया, यानी जो हादसा होने वाला था जिसमें उसकी जान जाने वाली थी, तो मैं बाल बाल बच गया। ये बाल बाल में बच जाना इंग्लिश में कहते हैं नैरो स्केप। इसको नैरो स्केप भी कहते हैं और एक क्लोज शेव भी कहते हैं। ये दो मानी की होती है बाल बाल बच जाना। आई हैड ए नैरो स्केप, मैं बाल बाल बच गया। आई हैड ए क्लोज शेव, यानी मैं बाल बाल बच गया, यानी मेरी कुछ बर्बादी होने वाली थी या मेरी जान जाने वाली थी, लेकिन मैं बच गया। तब आपको इंग्लिश में ऐसे कहना है। थैंक यू वेरी मच।